नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको मैं हमेशा डिसेबिलिटी से रिलेटेड जानकारी देती रहती हूँ। आज हम अपने बच्चों को वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के बारे में जानकारी देंगे, यानी कि वो अपने जीवन में वोकेशनल काम भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हाय दिन रंग बिरंगे लिफाफे या पॉलीथीन बैग्स हमारे घर में आते रहते हैं। जब भी हम कोई सामान लेके आते हैं तो हम उनसे इस तरह के फ्लावर भी बना सकते हैं। फ्लावर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें पॉलीथीन चाहिए होते हैं। पॉलीथीन जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल से आज हम फ्लावर बनाने चाहेंगे, डेकोरेशन फ्लावर। इससे हम अपने पूरे घर की दीवारें सजा सकते हैं, पार्टी की डेकोरेशंस कर सकते हैं। और ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता और घर से बाहर से पैसा नहीं लाना पड़ता आपको, तो आपको ये घर में ही बनाना। दोस्तों, इसमें हम पेपर को चारों तरफ से काटेंगे और इस तरह इस साइज़ के हम पेपर्स के स्ट्रिप्स बना लेंगे, यानी कि इस तरह के हमें लंबे लंबे स्ट्रिप्स बनानी है। आप इसको आप किसी गत्ते पे भी बना सकते हैं, क्योंकि स्पेशल इंक्लूसिव डिसबिलिटी वाले होते हैं, MR होते हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं या HIV होते हैं, वो इसको काट सकते हैं। इसको हमने दो स्ट्रिप्स काटने, यानी कि एक पॉलीथीन में दो स्ट्रिप्स बनती हैं हमारी। दोनों को हम बराबर साइज में काटेंगे और इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे। जैसे ही हमने इनको बीच में से फोल्ड किया, देखिए अब मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आपको भी फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो हम बीच का हिस्सा है उसको आगे की तरफ मोड़ेंगे, फिर उसको बैक साइड्स में नीचे की तरफ मोड़ेंगे, फिर से इसको आगे की तरफ मोड़ेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसी तरह से बच्चों आपको भी पीछे की तरफ मोड़ना है। आप मेरे साथ मोड़ते जाइए, आप देखते देखते एक बहुत सुंदर फ्लावर बना लेंगे। देखिए, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आपने अपना जो पॉलीथीन स्ट्रिप्स हैं दोनों, इस तरह से आपको हाफ करके फिर बीच में से मोड़ देना। और अब जो मैं दिखा रही हूँ, जहाँ सेंटर मैंने पकड़ा है उसके बीच में आपको अपना थ्रेड, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का धागा होगा आपके पास, उसको बांध दीजिए। हाँ जी, सेंटर में से आपको बांध दीजिए। एक जना पकड़ सकता है, दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है, आप उसको भी बांध सकते हैं आराम से। इसको बांधने में कोई जल्दबाजी ना कीजिए और हमेशा टाइट और नीट एंड क्लीन तरीके से बांधिएगा, बिल्कुल साफ जगह से, बिल्कुल सेंटर से आपको बांधना है, तभी आपका फ्लावर बहुत ही सुंदर बनेगा। अब हमारा ये थ्रेड बन चुका है बीच में से, देखिए। हाँ जी, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और देखिए हम कैसे इसको बांध रहे हैं और बिल्कुल टाइट हमने इसको बांध दिया। अब हम कैंची लेंगे, कैंची से हम इसके साइड पे जैसे पत्ते होते हैं फ्लावर की, जो लीव्स होती हैं पत्ते होते हैं, उस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। दोनों तरफ से हम पत्तों की लीफ की तरह कटिंग करेंगे, जिससे हमारे पास एक एक जैसे पत्ते फ्लावर का एक एक पत्ता होता है, वैसे हमें लीफ की तरह हमें मिलना शुरू हो जाएगा। देखते जाइए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ को, बिल्कुल सही इसी तरह से आपने भी कटिंग करना है। और लीफ का हमें जैसे गोलाई होती है, हमें वो गोलाई भी देनी होगी, क्योंकि लीफ हमेशा आगे से गोल होती है, ना कि त्रिकोणी होती है। देखिए बिल्कुल सही इसी तरह से आपको भी काटना है। जल्दबाजी नहीं है, ये बस थोड़ा सा समय की एक्टिविटीज़ है और आप इसमें अपने घर के बहुत अच्छे डेकोरेटेड फ्लावर बना सकते हो। देखिए मैं कैसे पत्तों को गुलाई दे रही हूँ, ये आपके फ्लावर की गुलाई देनी है, इसी तरह से आप भी करेंगे। अब हमने हमारा फ्लावर तैयार हो चुका, हमने ये लीव्स अपनी बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन पत्तियों को एक साथ खोलेंगे। जैसे ही हमारे 5-6 पत्तियों का एक साइज़ बनता है, मैक्सिमम हम 10 फोल्ड भी कर सकते हैं, 10 पत्तियां भी बना सकते हैं एक साइड की। अब इसमें से जैसे ही हमने खोल दिया, उसमें से जो पहली लीफ है हम उसको ऊपर को उठाएंगे, उसके बाद सेकेंड लीफ को उठाएंगे, इसी तरह से थर्ड लीफ,
एक एक पत्ती की, यानी कि जो पॉलिथीन हमने बनाया उसको कटिंग किया, उसके बाद हम जो भी लीव्स हैं हमारी उनको एक एक करके हम खोलते जाएंगे। दोनों तरफ से हमको लीव्स खोलनी है अपनी। देखिए मैं कैसे खोल रही हूँ, एक एक पत्ता मैं खोल रही हूँ बिल्कुल। इसी तरह से आपको भी एक एक लीफ खोलना है, एक एक पत्ता खोलना है, जिससे आपका एक फ्लावर बहुत सुंदर सा फ्लावर बन जाएगा। आप उसको पूरे तरीके से खोलेंगे। देखिए इस तरह का फ्लावर आपका, जैसे आप एक एक लीफ खोलेंगे इस तरह का आपका वो फ्लावर बन जाएगा। देखिए कितना सुंदर फ्लावर बना है। इसी तरह के मैंने देखिए कितने फ्लावर बना रखे हैं। ये मैंने डेकोरेशंस के लिए बनाया है, वॉल डेकोरेशंस के लिए। आप भी अपने वॉल डेकोरेशंस के लिए बना सकते हैं और इसी तरह से सुंदर सुंदर फ्लावर बना सकते हैं। देखिए हम इस तरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कहीं पे भी मंदिर में, पूजा में, आपके घर में। अब जैसे कि अब आगे आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप घर को सजाना चाहेंगे। मार्केट में तो कोरोना का डर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपने हाथों से फ्री ऑफ कॉस्ट सुंदर सुंदर फ्लावर बना सकते हैं और अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हैं। ये हमने फ्लावर पॉट्स के लिए, जैसे कि किसी गत्ते को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वेस्ट मटेरियल ही यूज़ करना है, तभी आपका सुंदर से सुंदर फ्लावर बनना शुरू हो जाएगा। आप इसको किसी भी तरह से सजा सकते हैं। आप इस तरह से गत्ता लेंगे, कोई आपको बोर्ड होगा, प्लाई बोर्ड होगा या कार्डबोर्ड होगा, कार्डबोर्ड गद्दा होगा, गत्ता होगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिए मेरा ये जो बन गया बुके, मैंने ये बुके बनाया था, बहुत ही सुंदर बना। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।